आप पूछिए उनसे कि आप कौन सी पेस्ट इस्तेमाल करते हैं, कोई बोलेगा मैं कोलगेट इस्तेमाल करता हूं, कोई बोलेगा मैं पेप्सोडेंट इस्तेमाल करता हूं, कोई बोलेगा मैं कांति इस्तेमाल करता हूं, कोई बोलेगा सेंसोडाइन इस्तेमाल करता हूं, कोई कोई भी इस्तेमाल करता होगा। पूछना उनसे, उनसे पूछना कि आप कौन सी इस्तेमाल करते हैं, उनसे एक ही बात पूछना कि जी आप जो भी पेस्ट लेके आते हो टूथपेस्ट से, काफी सारे लोग बोलेंगे जी मैं तो कांति इस्तेमाल करता हूं, जो भी कांति आती है किसी भी कंपनी की, तो बोलेंगे कांति क्यों इस्तेमाल करते हो, बोले जी आयुर्वेदिक है। ठीक है जी, आप इसीलिए इस्तेमाल करते हैं कि आयुर्वेदिक है, अच्छी है। तो हमें एक सबसे पूछना है कि आप कौन सी पेस्ट इस्तेमाल करते हो, बोले कोलगेट पेप्सोडेंट ये। अब उनसे एक ही सवाल पूछना है, दोस्तों आप जो पेस्ट इस्तेमाल करते हैं आपके घर में, क्या आपने उसके पीछे कभी पढ़ा कि क्या लिखा होता है? ज्यादातर लोग बोलेंगे सर नहीं पढ़ा, तो बोलना आज जाके पढ़ना। उन सबको एक ही बात बोलना कि आज जाके आप अपने पेस्ट के पीछे पढ़ना कि क्या लिखा होता है, फिर उनको बताना कि मैं आपको बताता हूं आपके पेस्ट में क्या लिखा मिलेगा। तो उनके पेस्ट में एक ही चीज लिखी मिलेगी, वार्निंग या चेतावनी। एक शब्द लिखा मिलेगा, वार्निंग या चेतावनी, समझना। अब उनसे एक ही बात पूछना, दोस्तों आपके पेस्ट पे लिखा है वार्निंग या चेतावनी, तो वार्निंग या चेतावनी किसी नॉर्मल चीज पे लिखी होती है या खतरनाक चीज पे लिखी होती है? सबका एक ही जवाब होगा, जी खतरनाक चीज पे लिखी होती है। साधारण चीज पे चेतावनी शब्द नहीं होता, लेकिन कोई चीज अगर खतरनाक है तो उस पर लिखा होता है चेतावनी। तो उनसे ये पूछिए कि आपके पेस्ट पे अगर चेतावनी है तो इसका मतलब खतरनाक है या नॉर्मल है? सब बोलेंगे जी खतरनाक है। क्यों खतरनाक है आप उनको जानकारी दीजिए कि दोस्तों उस पे साफ लिखा होता है 7 साल से या 12 साल तक के बच्चों की पहुंच से दूर रखें, रीच आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन बिलो 6 एंड 12 ईयर्स। साफ लिखा मिलेगा 7 साल या 12 साल तक के बच्चों की पहुंच से इसको दूर रखें, बड़े भी इसको चिकित्सक की देखरेख में इस्तेमाल करें, इसको निगले ना, अगर बाई चांस निगल लें, अगर इसको बाई चांस निगल लें तो कहां पर जाके इलाज कराएं, जहां पर पॉइजन कंट्रोल सेंटर हो, ऐसा पेस्ट पे लिखा होता है। मैं कल होटल में रुका हुआ था एक जगह पे, वहां पे कोई कंपनी थी, मैं देखो नाम ही बता देता हूं, मुझे कोई शर्म नहीं है उसमें बताने में, कोई अटोमी कोई कंपनी थी, उसका पेस्ट वहां पे रखा था। बोले सर हम अच्छा पेस्ट इस्तेमाल करते हैं अपने होटल्स में, उन्होंने मुझे स्पेशल दिया कि अटोमी। तो मैंने अटोमी का जो पेस्ट लिया उसके पीछे पढ़ के देखा, उसमें साफ लिखा था कि 12 साल तक के बच्चे इसको यूज ना करें, बड़े भी इसको चिकित्सक की देखरेख में इस्तेमाल करें, बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल करें, और अगर बाई चांस निगल लेते हैं तो पॉइजन कंट्रोल सेंटर में जाके इलाज कराएं राइट अवे, तुरंत। उस पर लिखा हुआ है उस पेस्ट पे, आप भी पढ़ लें। सोचे आप पेस्ट पे सब लिखा है, पूछे आप लोगों से कि आप कौन सी पेस्ट इस्तेमाल करते हैं, तो उस पेस्ट पे सब लिखा हुआ है कि ये पेस्ट बच्चों की पहुंच से दूर रखना है, चेतावनी है, बड़े भी इसको बड़ी सावधानी से इस्तेमाल करें, अगर बाई चांस इस्तेमाल करते हुए निगल लेते हैं, अगर बाई चांस इसको निगल लेते हैं तो आप पॉइजन कंट्रोल सेंटर में जाके इलाज कराएं, समझना एक चीज को। तो आप लोगों से पूछ करके लाते हैं, सर पैसा खर्च करके लाते हो और सुबह सुबह आपके दिन की शुरुआत किससे हो रही है? जहर से। अब बात करते हैं कांति की, बाबा जी बोलते हैं 36 जड़ी बूटियों से निर्मित है, पूर्णतः आयुर्वेदिक है, उसके पीछे भी चेतावनी लिखी है, उस पर भी लिखा है 7 साल तक के बच्चे इस्तेमाल ना करें, और हम क्या करते हैं सुबह सुबह, हम सुबह सुबह पेस्ट बच्चों लगा के और बच्चों के मुंह में जबरदस्ती ठूस देते हैं, कर ब्रश, उस पर चेतावनी लिखी है कि बच्चों की पहुंच से, जो भी टूथपेस्ट है इनमें बड़ा खतरनाक जहर डलता है जिसका नाम है फ्लोराइड, तो ये फ्लोराइड वाले पेस्ट है, और एक ग्राम फ्लोराइड अगर किसी बच्चे के जीभ पे, अगर 2 साल तक का कोई बच्चा है और 1 ग्राम फ्लोराइड उसकी जीभ पे रख दिया जाए तो उसकी तुरंत मौत हो सकती है, इतना खतरनाक जहर है जो इन टूथपेस्ट में पाया जाता है। इसके अलावा इन टूथपेस्ट में और भी एक बड़ी खतरनाक चीज पाई जाती है, मैं आप सबसे एक वीडियो शेयर करूंगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, उस वीडियो में साफ दिखाया गया है कि मरे हुए जानवरों की हड्डियों को लिया जाता है, गले सड़े मरे हुए जानवर, चाहे कुत्ता भेड़ बिल्ली बकरी, जो भी मरी हुई हड्डियां हैं उनको कलेक्ट किया जाता है, उन हड्डियों को काटा जाता है, उनके बाद उनको उबाला जाता है, उबालने के बाद उनसे एक तेल निकलता है, और वो तेल मरे हुए जानवरों की हड्डियों का तेल टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनियों को सप्लाई किया जाता है, और वो इसको अपने टूथपेस्ट में डालते हैं, समझे आप। दोस्तों आपके दिन की शुरुआत किस चीज से है? जहरीली चीज से और मरे हुए जानवरों के हड्डियों के चूरे से आपके दिन की शुरुआत हो रही है, और बोलते हैं क्या बोलते हैं टूथपेस्ट वाले, ताजगी आएगी, है ना, ताजगी कुछ नहीं आ रही दोस्तों, ताजगी उनकी जेब में आ रही जिनकी आप पेस्ट सालों से यूज कर रहे हैं। लोगों से पूछनी ये बातें, उनको बताना है ये बातें कि आपके दिन की शुरुआत ऐसे प्रोडक्ट से हो रही है जो जहरीला है, उसमें वार्निंग लिखा है और मरे हुए जानवरों के हड्डियों का चूरा उसमें है। तो फिर लोग आपसे पूछेंगे कि ऑप्शन क्या है सर, कैसे हम बच सकें इस ऐसी जहरीली चीजों को अपने घर में, कैसे चीज क्या करें? तो उनके उनको एक ही बात बताना है कि हमारा एक प्रोडक्ट है डेंटोलेक्स, आप उनको दिखाएं, दोस्तों ये प्रोडक्ट आप लेके जाएं घर पे, और इस पे खुशी की बात ये कि इस पे कोई भी वार्निंग या चेतावनी शब्द नहीं लिखा है,
इसमें ऐसा कोई वार्निंग नहीं है, कोई चेतावनी नहीं है, इसको कोई भी यूज कर सकता है, बच्चे भी इसको यूज कर सकते हैं, बड़े व्यक्ति भी इसको खा सकते हैं तो भी उनको कोई नुकसान नहीं है, छोटे बच्चे भी इसको खा सकते हैं कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि इसमें किसी तरह कोई जहर नहीं डाला, कोई जहरीली चीज नहीं डाला है। अगर हम डालते तो हमें भी इस पर चेतावनी या वार्निंग लिखना पड़ता। और दूसरी बात, इस पर लिखा है 100% वेजिटेरियन है, 100% वेजिटेरियन है, इसमें किसी तरह के मरे हुए जानवरों की हड्डियों का चूरा या तेल इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसलिए 100% शुद्ध है, कोई केमिकल्स नहीं है, कोई मरे हुए जानवरों की हड्डियों का चूरा नहीं है। इसलिए दिन की शुरुआत आपको किसी ऐसे प्रोडक्ट से करनी चाहिए, लोगों को बताएं ये बात, उनको बोलें कि आज अपने घर जाएं, अपने घर पे पेस्ट देखिए, अगर उस पेस्ट में फ्लोराइड है या उसमें वार्निंग शब्द लिखी है तो वो जहरीला है दोस्तों, उस पेस्ट को आज ही अपने घर से चेंज कर दे, क्योंकि दिन की शुरुआत जहर या गंदी चीजों से करना बिल्कुल, भगवान ने जब हमें बनाया था तो भगवान ने नहीं सोचा था कि आपके दांत किसी जहर से साफ होंगे, भगवान ने हमारे चारों तरफ नीम, बबूल, पुदीना, लौंग, ये सब चीजों को बनाया है, इन सारी चीजों को बनाया है,